This is an ABP Life podcast. तो इस हफ्ते एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ सोजा जाने मन एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हाय, मैं हूँ मानसी आपके साथ और हाजिर है इस हफ्ते भी आपकी फेवरेट कहानी। और आज की कहानी का नाम है माँ की सीख। प्रवीण नाम का एक लड़का था। उसे एक बुक बहुत पसंद थी जो स्कूल की लाइब्रेरी में उसे एक हफ्ते के लिए मिल जाती थी। आप उसे एक हफ्ते के लिए इशू कराइए, देन आपको वापस करनी होती थी। प्रवीण ने उसे दो तीन बार पढ़ा लेकिन उसका मन ही नहीं भरता। उसे इतनी अच्छी लगी वो बुक, तो बुक के कुछ पार्ट उसे बहुत पसंद थे और उसने सोचा मैं इन्हें लिखना शुरू कर देता हूँ। लेकिन प्रवीण भी मन का बड़ा चंचल था, एक काम में उसका मन थोड़ी लगता था ज़्यादा देर, तो वो जल्दी ऊब गया। हफ्ते भर बाद प्रवीण ने वो बुक वापस कर दी। उसने मार्केट में जाकर उसे बड़ा खोजा लेकिन उसे मिली ही नहीं। जब भी वो लाइब्रेरी जाता, शीशे की अलमारी में रखी हुई बुक उसके मन को ललचा देती। एक दिन बड़ी भयंकर बारिश हो रही थी जिसकी वजह से स्कूल में छुट्टी अनाउंस कर दी गई और उस वक्त लाइब्रेरी में सिर्फ दो ही तीन स्टूडेंट्स थे। प्रवीण घूमते घूमते लाइब्रेरी में पहुंचा और उसी अलमारी के पास जाकर खड़ा हो गया जहां उसकी फेवरेट बुक रखी थी। उसने चोरों की तरह इधर उधर देखा। उसने देखा आसपास तो कोई है ही नहीं, बादलों की वजह से, बारिश की वजह से कमरे में अंधेरा सा भी छाया है। तो उसके हाथ बुक तक पहुंच गए और जिन पेजेस को उसने मार्क किया हुआ था ना, जो उसे सबसे फेवरेट लगते थे, उसने एक एक करके उन्हें फाड़ना शुरू कर दिया। इस तरह प्रवीण ने करीब 8 से 10 पेजेस फाड़ लिए। फिर इन्हें मोड़कर उसने अपनी ड्रेस में छिपा लिया। चोर जैसी निगाहों से इधर उधर देखता हुआ वो लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बुक फाड़ते हुए तो प्रवीण का कलेजा ही धड़क रहा था, लेकिन घर आते आते तो उसका सारा डर जैसे दूर हो चुका था। उल्टे वो अपने किए पर बड़ा खुश हो रहा था कि बिना किसी मेहनत के उसका काम बन गया। प्रवीण ने घर आकर उन पेजेस को अपनी किसी बुक के बीच में छुपा कर रख दिया। जब भी उसका मन करता वो निकाल कर पढ़ लेता। हफ्ते भर बाद की बात है, प्रवीण खेल कर घर लौटा कि उसकी माँ उसके पास आई। उनके हाथ में वो फटे हुए कागज थे। ये कहाँ से आए, वो पूछ रही थी। प्रवीण तो एक पल को बड़ा सहम गया। वो जानता था कि माँ तो बड़ी सख्त नाराज है और उन्हें सच्चाई पता लगेगी तो वो और नाराज होंगी, तो उसने झूठ बोल दिया। अरे वो मेरा दोस्त है ना अजय, उसके यहाँ एक बुक पड़ी थी, वहां से फाड़े हैं। अब माँ का चेहरा गुस्से वाला हो गया और उन्होंने गुस्से में ही पूछा, चोरी तो की है, अब झूठ भी बोलेगा? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, प्रवीण कुछ हकलाते हुए कहने लगा। पर वो समझ गया था कि उसकी माँ ने चोरी तो पकड़ ली है। तभी उसे माँ की एक और ज्यादा गुस्से वाली आवाज सुनाई दी, कॉलेज की बुक से फाड़े हैं ना? अब सच्चाई तो सामने आ चुकी थी, प्रवीण ना नहीं कह सका। माँ ने जब बार बार पूछा तो उसने पूरी बात बता दी। उस दिन प्रवीण से माँ बात नहीं की, ना उसे शाम का नाश्ता मिला, ना उसे रात का खाना मिला। उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो माँ के पास जाकर खाना मांगे। भूख के कारण रात में तो वो ठीक से सो भी नहीं पाया। सुबह ब्रेकफास्ट के टेबल पर जब पूरी फैमिली थी, तब माँ ने सबके सामने कहा, प्रवीण तुम्हें अपने इस काम के लिए लाइब्रेरियन से जाकर माफी मांगनी होगी और बुक का प्राइस पता करके आओ और कल तुम्हें वो मूल्य जाकर देना है। माँ की बात सुनकर तो प्रवीण एकदम कंफ्यूज हो गया। इसका मतलब ये था कि उसकी चोरी की पोल तो सबके सामने खुल जाएगी, उसके फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, लाइब्रेरियन सर क्या सोचेंगे, ये तो सबको पता लग जाएगा। तो वो बहुत गिड़गिड़ाया। माँ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और साफ साफ लफ्जों में कह दिया, पाप किया है तो प्रायश्चित करने से क्यों डरते हो, गलत काम करते समय तुमने कुछ नहीं सोचा? प्रवीण जानता था कि माँ तो अपनी बात की पक्की है, अगर वो लाइब्रेरियन के पास नहीं गया तो वो तो खुद ही आ जाएंगी और तब और ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने दूसरे दिन लाइब्रेरियन के पास जाने का डिसीजन लिया। लाइब्रेरियन सर को अकेला देखकर प्रवीण उनके पास जाकर सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा हो गया। क्या बात है बच्चे, उन्होंने पूछा, तो उसने माँ का लेटर निकालकर धीरे से उनके सामने रख दिया। लेटर पढ़कर उन्होंने सर से पैर तक बच्चे को देखा। प्रवीण मन ही मन बड़ा डर रहा था,
कि उसे बड़ी डांट पिटने वाली है, कहीं मार भी ना पिट जाए। लेकिन हुआ उसका उल्टा। उन्होंने तो उसे बड़े प्यार से समझाया कि इस तरह बुक्स के पेजेस फाड़ लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे बाकी स्टूडेंट्स भी तो उस नॉलेज से वंचित रह जाएंगे। जिन पेजेस को प्रवीण ने पसंद किया वो बाकियों की भी तो पसंद हो सकती है, बाकियों की भी तो जरूरत हो सकती है। अब प्रवीण को अपनी गलती पूरी तरह से समझ में आ गई थी, तो उसने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, मैं जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। लाइब्रेरियन ने एक लेटर उसकी माँ को लिखा, जिसमें उन्होंने बच्चे के अंदर इतने अच्छे गुण डालने के लिए उनकी तारीफ की, साथ ही बुक का प्राइस न भेजने की बात लिखी। उस दिन घर जाकर प्रवीण से तो खाना नहीं खाया गया, लेकिन माँ उसे पहले की तरह प्यार कर रही थी। आज उसे प्यार से समझाते हुए कह रही थी, बेटा मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी गलती सबको पता लग गई, तुम्हारे फ्रेंड्स मजाक उड़ा रहे होंगे इसीलिए तुम्हारा मन परेशान है, लेकिन ये तो नेचुरल है। लेकिन इतनी लज्जा, इतनी शर्म, इतनी झिझक तुम्हें उस समय होनी चाहिए थी जिस समय गलती करने के लिए तुम्हारे हाथ और कदम उठे। गलती करना बुरा है, लेकिन प्रायश्चित करना नहीं। गलती का प्रायश्चित करना, इससे तो आप अच्छाई के रास्ते पर जाते हो और सभी बड़े इस बात को समझते हैं, इसलिए गलती का प्रायश्चित करने पर दुखी मत हो, बल्कि सैटिस्फाइड हो कि तुम गलत रास्ते पर जाने से बच गए, क्योंकि छोटी छोटी गलती ही एक दिन बड़ा अपराधी बना देती है। माँ ने प्रवीण को एक और लेटर दिया, कुछ रुपए दिए और कहा कि इसे लाइब्रेरियन सर को दे देना, और उन्होंने लेटर में थैंक यू कहा कि थैंक यू आपने कल प्रवीण को गलती करने पर मारा नहीं बल्कि उसे प्यार से समझाया। तो आज की कहानी में बस इतना ही, अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ, सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। तब तक के लिए सुनते रहिए सोचा जाने मन। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।